अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन तंदूरी नूडल्स, जो बहुत ही यमी एंड मजेदार होती है खाने में। सो लेट्स स्टार्ट। हम तंदूरी चिकन बनाएंगे, जिसके लिए हम बोनलेस चिकन लेंगे हाफ के जी, अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर और फिर उसे ऐसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करते हैं, तो चलिए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें नेक्स्ट चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन को भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने चिकन को भी इस मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैरिनेशन के लिए कम से कम 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। फ्रेंड्स, 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट होते हुए। अब चिकन को फ्राई करते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून बटर ले लिया है। बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। फ्राई होने तक कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। इस प्रोसेस में हमें कम से कम 10 to 15 मिनट्स लग सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैंने गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर दी है। अब इसे मैं चारकोल का स्मोक दूंगी। अब इस फ्राइड चिकन को हम साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट नूडल्स बनाने के लिए हम पहले से ही कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे, जिससे हमें इजी हो। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नूडल्स को यहाँ पर बॉईल कर ले लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज को भी कट कर रखा है, जैसे कि 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 3 to 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1 लार्ज फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 कप ऑफ कैबेज एंड 1 कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैंने ऐसे कट कर लिया है। 1 बंच ऑफ स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट एंड ग्रीन पार्ट दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ सॉसेस में हम लेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, ये ऑप्शनल है, 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस। नेक्स्ट, अब यहाँ मैंने वॉक को अच्छे से हीट कर लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अब इन सबको 2 to 3 सेकेंड्स के लिए सॉटे करेंगे। व्हाइट पार्ट ऐड किया था। नेक्स्ट, अब नॉर्मल अनियन ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से सॉटे करेंगे। अनियन को ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए सॉटे करना है। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे कैबेज, सोया सॉस,
एज पर योर टेस्ट। अब इन सबको मिक्स करेंगे एंड कुक करेंगे 2 मिनट्स के लिए। यहाँ पर अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। कंटिन्यूअसली अच्छे से स्टर करते रहेंगे। 2 मिनट बाद अब मैं यहाँ इसमें ऐड करूंगी फ्राइड चिकन की पीसेस। एंड अब चिकन को भी सारे वेजीज के साथ मिक्स करेंगे। चिकन को मिक्स करने के बाद अब बारी आती है बॉइल्ड नूडल्स ऐड करने की। ये देखिए, अब नूडल्स को अच्छे से टॉस करेंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब गरम गरम चिकन तंदूरी नूडल्स को हम सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यमी एंड डिलीशियस चिकन तंदूरी नूडल्स अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह।